On September 19th, 2000, Karnam Malleswari became the first Indian woman Olympic medalist. 17 years on, the 42-year-old recalls her historic Olympic medal in an exclusive interview. देखिए एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक्स से आगे कुछ है ही नहीं तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन करना जाना और वहाँ मेडल जीत के लाना ये तो हर एक खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है तो इसको शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है. While the nation celebrated, her heart broke on missing the gold medal. देखिए जब मैं ओलंपिक में गई थी तो मैं गोल्ड के लिए गई थी ब्रॉन्ज के लिए नहीं. जैसे कि अगर आप लोग उस कंपटीशन को दोबारा अगर देखते हैं तो जो लास्ट लिफ्ट मेरा मिस हुआ था 137 वो ओलंपिक रिकॉर्ड पे गोल्ड का था जो किसी कारण मैं नहीं कर पाई तो मैं ब्रॉन्ज में आ गई. हाँ लेकिन उस चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ. अभी भी पिंच होता है कि जहाँ मैं गोल्ड ले सकती थी पर मैं ब्रॉन्ज में आके रुक गई किसी भी कारण से तो बहुत फील होता है. एंड उस टाइम में भी मुझे बहुत फील हुआ था बल्कि कि जब मेरा मेडल आया तो सारे हिंदुस्तान उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही थी. वहाँ जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे एंड ऑफिशियल्स कोचेस बहुत खुश थे कि भी मेडल आया है लेकिन मैं इतना नहीं थी. जब मैं इंडिया वापस आई थी पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद सिर्फ मेरा एक ही मेडल था उस पूरा हमारी इंडियन कंटिनेंट टीम के साथ. तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक है मैंने जितना मेहनत की तो उसका फल मिला है. एंड यहाँ जितनी ऑनर प्यार और मोहब्बत जो पब्लिक से मिली तो और भी मैं खुश हो गई. फिर मेरा अपना जो दुख है वो भूल गई. The 2000 Sydney Olympics medalist recalls her journey from the stadium to Games Village. Yeah, जब मेरा ब्रॉन्ज डिक्लेयर हो गया उसके बाद वहाँ उसके बाद फिर हम लोगों का डोप टेस्ट के लिए हम चले गए तो डोप टेस्ट के बाद फिर विलेज में आए तो मैं बहुत खुश नहीं थी क्योंकि मैं गोल्ड की फाइट कर रही थी एंड मेरा परफॉर्मेंस जो था वो गोल्ड के लिए था. तो 232 में गोल्ड चला गया. 230 सिर्फ 2.5 किलो की वजन से मेरा गोल्ड चला गया तो ये बहुत खुशी की बात तो नहीं थी लेकिन फिर धीरे धीरे फिर खुश हो गए. मिसिंग द गोल्ड मेडल स्टिल पिंचेस हर. सिर्फ उसी रात नहीं कई साल तक आई थी 2-3 साल तक मैं उसी इसमें रही. मेरा गोल्ड मिस हुआ उसी कारण था कि मैंने दोबारा एथेंस की मैंने अपनी तैयारी करके एथेंस ओलंपिक्स में मैं गई कि भी जो मैंने यहाँ मिस किया वहाँ अचीव करना है लेकिन मेरा बैड लक बैक इंजरी की वजह से मैं वहाँ नहीं कर पाई तो वो पिंच तो अभी भी होता है. इट वॉज एन हिस्टोरिक मोमेंट एंड केम फ्रॉम अ क्वार्टर वेर नो वन एक्सपेक्टेड हर टू विन द मेडल. ओनली 4 out of 42 इंडियन जर्नलिस्ट हैड टर्न्ड अप टू सी हर कम्पीट. नहीं डिसअपॉइंट कुछ नहीं था क्योंकि जब तक मेरा कंपटीशन नहीं होती तो मेरी पूरी जो फोकस थी वो कंपटीशन के ऊपर था. मेरा बिल्कुल कहीं भी ये नहीं था कि भी मीडिया है मीडिया मेरे लिए लिख रही है या सोच रही है मैं मेडल में हूँ तो वो कुछ भी मेरा माइंड में नहीं थी. मेरा सिर्फ ये था कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस करना है एंड यहाँ से मेडल लेके जाना है. हाँ लेकिन मुझे ये पता लगा कि जब मेरा कंपटीशन चल रहा था तो कोई भी मीडिया वहाँ नहीं थी कंपटीशन को कवर करने के लिए. The Indian contingent celebrated her medal and leading the contingent was former Indian captain Dhanraj Pillai. Dhanraj Pillai hain, Anjali Bhagwat hai, ye sab hum log the to lekin Dhanraj ne zyada hi shor machaye the ki bhai Malleswari zindabad zindabad bhaiya chup ho jao kehta nahi lekin ek Indian jo support and culture jo hai na to wo bahut acha tha hamara village mein and bahut supportive and एक दूसरे को शेयर करते थे. फॉर समवन हु वाज आस्क्ड टू स्टे एट होम एंड बी अ हेल्पिंग हैंड टू हर मदर करनम हैज प्रूव्ड हर क्रिटिक्स रॉन्ग एंड पेव्ड अ पाथ फॉर स्पोर्ट्स फॉर वुमेन इन इंडिया. एक्चुअली जब मैंने गेम करने की कोशिश की तो जब मेरा शुरुआती दिनों में जहां वेटलिफ्टिंग लड़कियां करती थी तो मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी करूंगी. जब मैंने जाके कोच से मिली और मैंने उनसे बोला कि मैं वेटलिफ्टिंग करना चाहती हूँ तो उस टाइम में उन्होंने मेरे को बोला कि आप वेटलिफ्टिंग के लिए नहीं बने हैं एंड आप जाओ घर में अपनी मदर को हेल्प करो एंड आप वेटलिफ्टिंग नहीं कर सकते. तो उस टाइम में मेरा माइंड में था कि मैंने अभी वेटलिफ्टिंग करके दिखाना है पर ये नहीं था कि मैंने अपनी करियर बनानी है या ओलंपिक में इतना लंबा नहीं सोचा लेकिन इतना मैंने सोचा कि भाई कोई कैसे मेरा करियर के बारे में डिसीजन ले सकता है मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ तो मेरे को अब करना है. तो वो एक था जब मैं 12-13 साल की थी
तो उसके बाद फिर मैंने सीरियसली करना शुरू किया।